The story's out there. Any kid watching this, youngsters, any kid watching this program, get your education. NASCAR का मतलब है National Association of Stock Car Auto Racing, एक मुकम्मल तौर पर अमेरिकन खेल जहां ड्राइवर्स जिस्म और दिमाग की पहुंच से बाहर अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं। इस अमेरिकन खेल में अकलियतों के बढ़ते हुए किरदार के बारे में जानने के लिए हम मौजूद हैं टेक्सास के शहर डैलस फोर्ट वर्थ में। टेक्सास गुज़िश्ता कुछ अशरों में बदल चुका है और हम यहाँ काउबॉयज को देखने नहीं बल्कि NASCAR की जूनियर लीग के बिल्कुल नए ड्राइवर नूर अली से मिलने आए हैं। You could have done anything you wanted to do in your life. I mean, you have a great family and they support you a lot. आप कुछ भी कर सकते थे। आपके खानदान वाले आपके साथ हैं और आपकी मदद करते हैं। लेकिन आपने गाड़ियों की रेस जैसा पुरखतर काम ही क्यों चुना? इसके पीछे क्या कहानी है? You chose to live on the edge. What's the story behind that? I don't know if there's a true answer why I like to live on the edge. मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसका कोई सही जवाब दे सकूं कि मुझे खतरों से खेलना क्यों पसंद है। जैसा कि खिलाड़ी कहते हैं कि ये दिल गुर्दे का काम है और खतरों से खेलना उन्हें पसंद है, लेकिन मैं कुछ मुख्तलिफ हूं। मेरे ख्याल से अगर मैं एक रेस कार ड्राइवर नहीं होऊंगा, तो मैं अपनी आने वाली जिंदगी में अपने आप को खुश नहीं देख सकूंगा। ये काम मुझे खुशी देता है। Being happy day to day for the rest of my life if I was not a race car driver. नूर अली का कहना है कि जिंदगी में खुश और मुतमईन रहने के लिए ये जरूरी है कि आप तालीम हासिल करें और फिर वो करें जो आपको अंदरूनी खुशी दे। मैं चाहता हूँ कि हर सुबह जब मैं उठूँ तो मैं मुस्कुराता हुआ उठूँ। ये चीज मेरे वालिद ने मुझे और मेरे भाई को सिखाई है। हर रोज खाने पर वो हमें कहा करते थे कि बेटा तालीम हासिल करो और जब तुम जवान होगे तो दुनिया में कुछ कर भी सकोगे। बहुत से वालदैन अपने बच्चों से उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं। बेशतर वालदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी मर्जी से सब कुछ करें। नूर के वालिद भी यही कहते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उनकी फैमिली में ये जरा मुख्तलिफ तरीके से होता है। But talking to you over... आपसे और आपके बेटे से बात करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आपने अपने बच्चों को उनकी ही मर्जी से सब कुछ करने की आज़ादी दी। I have always been telling them, मैं हमेशा से उन्हें बताता रहा हूँ कि जो आप करना चाहते हैं करें। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो भी बनना चाहते थे बन गए। मैंने कभी भी किसी बात के लिए उन पर दबाव नहीं डाला। They both become whatever they wanted to. We never pushed it. एक रेस कार ड्राइवर के लिए जितना अहम अपनी तवज्जो को अपने काम पर मरकूज रखना होता है, इतना ही अहम इसकी टीम का साथ होता है। कैसे इसकी टीम इसको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर रेस के लिए तैयार करती है? You are the guy who takes Noor to the tracks. आप लोग नूर को रेस के लिए तैयार करते हैं। जब आप लोग नूर को रेसिंग ट्रैक पर ले जाकर छोड़ देते हैं, तो उस वक्त आपके ज़हनों से क्या गुजर रहा होता है? What runs through your mind? I'm going out to track and yahi ke wo behtareen karkardagi dikhaye aur jeete. There must be some koi aisa ehsaas jo aapko yaad ho jo aap bhool na paaye. Main apna kaam karta hoon aur kabhi is bare mein nahi socha. Ye ek mushkil sawal hai. What can you recall? Kis tarah ke khayalat aate hain? My job is mera kaam uska khayal rakhna hai aur is baat ko mumkin banana hai ki wo mehfooz rahe. Look out for him. रेसिंग के दौरान आप जितनी भी एहतियात कर लें, कभी कभार कुछ चीजें खतरनाक हद तक गलत हो सकती हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा नूर को रेस कार ड्राइविंग के लिए जाने देना। Of course, it was very difficult for me. Actually, race, actually, what he wanted to do was not difficult, but बिल्कुल ये बहुत मुश्किल था। जो वो करना चाहता था वो तो मुश्किल नहीं था, लेकिन ये सोचकर मुझे डर लगता था कि वो इतनी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाएगा कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन फिर मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। मैं अब भी डरती हूँ,
उसे नहीं पता, लेकिन अब मैं बेहतर हो रही हूँ। But I am still scared. He doesn't know it, but I'm still scared. I'm getting better. इन सब बातों के बाद हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही देखें नूर की रेस कैसी होती है। टेक्सास से 45 मिनट के फासले पर एक छोटा सा शहर है डिकेटर, जहां ईगल्स कैनियन रेसवे है। नूर यहां एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं ताकि हम रेस ट्रैक का तजुर्बा खुद कर सकें। SCCA यानी स्पोर्ट्स कार क्लब ऑफ अमेरिका में होने वाली इस रेस का नाम है स्क्रीमिंग ईगल्स डबल रीजनल। इसके इब्तदाई मरहले के पहले दिन नूर छठे नंबर पर आए हैं। रेस के पहले दिन मैंने नूर को इस बात पर कायल कर लिया कि वो मुझे अपनी रेस कार चलाने का मौका दें। इस छोटी सी गाड़ी में बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये एहसास भी हुआ कि तमाम हिफाजती बेल्ट्स लगाकर ये छोटी सी गाड़ी चलाना और ये ध्यान भी रखना कि आपकी किसी से टक्कर ना हो जाए वाकई एक मुश्किल काम है, किसी ऐसे शख्स के लिए जो इसका आदी ना हो। इस छोटी सी तेज रफ्तार गाड़ी में घुटन का एहसास भी होता है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि नूर कैसा महसूस करते होंगे इस गाड़ी को तेज भगाना। इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो खौफ का एहसास खत्म होना शुरू हो जाता है। रेस कार चलाते वक्त तमाम हिफाजती इकदामात की जरूरत होती है। आग से बचाव के लिए खास लिबास, मजबूत हेलमेट, दस्ताने और गाड़ी में हिफाजती चीजें। रॉबर्ट नूर की गाड़ी को रेस में जाने से पहले चेक कर रहे हैं। ईगल्स कैनियन में होने वाली रेस में हर रोज दो रेसें होती हैं। सुबह की रेस में जीतने वाले शाम को होने वाली रेस में हिस्सा लेते हैं। Why am I in this field that's dangerous?